इंदौर में एक 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह तो गनीमत रही कि बच्ची की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, जहां आरोपी की जमकर धुनाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मामला इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र का है। यहां रहने वाली 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने की नीयत से आरोपी अपने टीन शेड के कमरे में ले गया, जहां बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। हालांकि बच्ची की चिल्लाने की आवाज़ पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जहां आरोपी की पहले जमकर धुनाई की, इसके बाद उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया। फिलहाल पुलिस ने वैधानिक धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये एक छतरीपुरा थाना क्षेत्र में 376511 अटेम्प्ट और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें आरोपी जो राधे और राजू माँ है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य रूप से इसमें घटना जो है वो जो पीड़ित बच्ची है वो लगभग 4 साल उसकी उम्र है और ये आसपास ही रहते हैं दोनों परिवार, और ये लकड़ी के एक जो पूरा सेटअप है इंटरप्राइजेस है उसमें काम करते हैं दोनों परिवार। ये आरोपी अकेला रहता है। कल शाम के समय कुछ जो वहाँ के युवा हैं उन्होंने उनको आवाज़ आई तो उन्होंने देखा, तो अपने जो टीन शेड है जिसमें ये रहता है उसमें ये पीड़िता जो 4 साल की बच्ची है उसको लेके था और उसने कपड़े वपड़े निकाल लिए थे। अटेम्प्ट मतलब ये प्रयास कर रहा था रेप करने का, और उसमें लकीली वो लोग पहुंच गए तो उसको पकड़ लिया। पुलिस ने सूचना मिलते ही तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लेके उसको जो है माननीय न्यायालय पेश किया गया है। उसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और चूंकि कृत्य बहुत गंभीर है तो गंभीरता से विवेचना करेंगे और उसको ट्रायल को भी मॉनिटर करेंगे। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।